हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल हेल्थ वाइज में, जहां पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में, यानी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल वेटल साइन होता है तो वो कितना होना चाहिए। जैसे जो होता है पल्स रेट और हार्ट बीट होता है, और जो रहता है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, और जो रहता है ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, और जो रहता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए, और रेस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए, और बॉडी मास इंडेक्स कितना रहना चाहिए, और जो रहता है ब्लड वैल्यू और एचबी लेवल के बारे में जानेंगे, और पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जान लेते हैं पल्स रेट और हार्ट बीट जो होता है कितना होता है। तो ये जो होते हैं 60 से 110 बीट्स पर मिनट, यानी इसका एवरेज जो रहता है 72 बार जो रहता है धड़कता है, और जो इसमें बॉडी टेम्परेचर होता है 97.5 से जो होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो होता है नॉर्मल होता है, और इसका एवरेज जो माना गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल माना गया है। और ये जो रहता है डिपेंड करता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है कि हम कौन से वेदर में हैं और कौन से कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर चेक करवा रहे हैं। ये जैसे हम मुंह में जो रहता है थर्मामीटर लेकर चेक करेंगे तो 1 या 2 डिग्री ज़्यादा बताएगा, और उसी के हिसाब से जब हम आर्म फिट में लेकर चेक करेंगे या जो रहता है आर्म में लगाकर चेक करेंगे तो उससे कुछ 1-2 पॉइंट कम दिखाएगा, और जैसे गर्मी के मौसम में हम चेक करेंगे तो ज़्यादा दिखाएगा, और जैसे हम एसी में अगर बैठे हैं वहाँ पे अगर हम चेक करें बॉडी टेम्परेचर तो उससे थोड़ा कम दिखाएगा। और अब जान लेते हैं रेस्पायरेशन रेट कितना होता है। तो रेस्पायरेशन रेट जो होता है 12 से 20 बीट पर मिनट होता है, और इसका जो एवरेज होता है 18 बार जो रहता है हो सकता है, यानी जब हम सांस लेने की जो गति होती है तो 12 से 20 तक नॉर्मल होती है, यानी 1 मिनट में जो रहता है हम 20 बार सांस ले सकते हैं, यानी कि यदि जैसे 20 से 30 के बीच में हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। और अब जान लेते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर जो होता है 100 से 70 to 125 से 80 mm/Hg होना चाहिए, और इसका जो एवरेज माना गया है यानी एवरेज जो होता है 120 सिस्टोलिक एंड 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है, और जो बीपी होता है एवरेज जो होता है 120 से 80 होता है, लेकिन जो ऊपर वाला रीडिंग सिस्टोलिक होता है वो 100 से लेकर 125 अगर होता है तो वह नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जो रहता है डिजिटल मशीन में जो रहता है 130 से 80 जो होता है उसको भी नॉर्मल माना जाता है। और डिपेंड ये करता है कि आप बीपी कब चेक करवा रहे हैं, यदि आप एक्सरसाइज या दौड़ कर जब बीपी चेक करवाएंगे तो बीपी जो रहता है 1-2 पॉइंट ज़्यादा दिखाएगा, यदि आप रेस्टिंग या सोने के बाद जो रहता है बीपी चेक करवाएंगे तो थोड़ा कम दिखाएगा। और अब जान लेते हैं जो हमारा ब्लड शुगर होता है वो कितना होना चाहिए। तो ये जो होता है 70 से 100 mg/dL होता है, यानी ब्लड शुगर जो होता है 70 से 100 के बीच में नॉर्मल माना जाता है, ये जो रहता है 100 से 125 के बीच में होता है तो इसको प्री डायबिटिक माना जाता है, और 125 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको डायबिटिक माना जाता है। और जो खाने के बाद जो रहता है ब्लड शुगर होता है 70 से 140 mg/dL होता है, यानी आफ्टर मील यानी खाने के बाद इतना होना चाहिए। और अब जान लेते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है SpO2 95 से 100% होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल जो रहता है जिसको हम SpO2 बोलते हैं, ये जो रहता है 90 से 100 तक नॉर्मल माना जाता है, और यदि 90 से 94 तक होता है तो इसको जो रहता है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो रहता है ब्लड में जो रहता है ऑक्सीजन लेवल जब चेक करते हैं तो 70 से 100 नॉर्मल माना जाता है, और ये जो रहता है ABG गैस होते हैं। और अब जान लेते हैं BMI कितना होता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है। तो ये जो होता है अंडर वेट जो रहता है इंक्रीज 18.5, और नॉर्मल जो वेट रहता है 18.5 से 24.9, और ओवर जो रहता है ओवर वेट जो रहता है 25 से 29.9 होता है, और ओबिसिटी जो रहता है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो रहता है जो रहता है 30 और ग्रेटर। और उसके बाद जो होता है हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इसका मतलब होता है हमारा बॉडी जो रहता है हाइट वेट और जो रहता है एज उसके हिसाब से ये निकाला जाता है। और अब जान लेते हैं हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में जो होता है 13.5 से 17.5 ग्राम/dL होता है, जो इसको नॉर्मल माना जाता है, और फीमेल तो में जो होता है थोड़ा कम होता है जो 12.5 से 15.5 ग्राम/dL नॉर्मल माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं ब्लड कितना होता है। तो मेल में जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है जो नॉर्मल होता है, और बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 8% होना चाहिए, और फीमेल जो में जो रहता है 4.5 से 5.5 लीटर होना चाहिए।
और अब जान लेते हैं जो बॉडी ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए। तो बॉडी ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होना चाहिए।